हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। और ये दिमाग के स्कूल में एक हफ्ते से योगा का सेशन चल रहा था, जिसमें से एक बार बोला गया कि वीडियो बना के अब या फोटोज़ खींच के भेजना है। तो फिर ये वीडियो बनाई थी मैंने, और तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और बस यही क्लिपिंग है जो 2-3 दिन पहले की है, बाकी तो फ्रेश ही है। तो दीपांशु यहाँ कर रहा है योगा स्कूल की ड्रेस पहन के। और ये देखिए सूर्य आसन, पता नहीं शायद वही करवा रहे थे। मैं बीच बीच में इसकी वीडियो बना रही थी और बीच बीच में अपना घर का काम कर रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और सुबह के बज रहे हैं 11:30। बेटा आया था नाइट शिफ्ट करके, तो मैं लेट उठी हूँ। रात को मेरा हेडेक हो गया था, मैं सो नहीं पाई। रात को 2:30 बजे सोई हूँ जाके। सुबह लेट उठी, कुछ नहीं बना हुआ था। तो अब बेटा आया है, अब वो बोल रहा है कि भूख लग रही है तो कुछ बना लो। मैंने कहा चलो बनाती हूँ सब्जी। फिर बोला कि नहीं, चलो डोसा ला दो, बहुत दिन हो गए कुछ बाहर का खाया नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ले आओ। तो उसके लिए आया तो बोला कि आप लोग भी क्या बनाओगे, आप लोग भी यही ले लो। तो दीपांशु और मेरा भी डोसा आ गया है, बस मैं वही डाल रही हूँ। और आप बताइए, आप लोग कैसे हैं। बहुत गर्मी हो रखी है, जब से बेटा आया है तब से वह बस एसी चल रहा है। गर्मी बहुत है सच में, पर क्या करें, जिंदगी है, काम करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। हम तो घर में बैठे हैं, जो बाहर काम करते हैं उनसे पूछो, थोड़ी देर के लिए भी बाहर चली जाती हूँ तो मेरे को तो हेडेक हो जाता है धूप से, सिर में दर्द। बस अभी आया था तो मैंने कहा चलो नई नई क्लिपिंग स्टार्ट करते हैं। पुरानी वाली तो हो गई खत्म, मेरे पास जो अटकी हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और बीच में तो मैं बीमार हो गई थी, तो फिर तो भाई उनसे थोड़ी ना शूट करवाती जो गेस्ट हैं घर में आए हुए थे। तो ये मैंने डाल दिया है डोसा। चलिए मैं बेटे को देख के आती हूँ, वो खाएगा, फिर दीपांशु को दूंगी। तो मिलती हूँ मैं भी आपसे। तो फ्रेंड्स, बच्चों को बना के दे दिया अलगा, और ये बॉटल खाली हुई थी, इसे सबके साथ खोल करके रख देती हूँ। और मैंने अभी दिखाया, मैंने आधा कट कर दिया था अपने वाला डोसा। क्योंकि अभी ना ठीक से खाया नहीं जाता, और ये तो वैसे ही बाहर का है तो ज़्यादा तो मैं नहीं खा पाऊँगी। इसलिए मैंने उसे बोला आधा तू खा ले, अभी गर्म गर्म है, रखा रहेगा बाद में नहीं खाया जाएगा, है ना। तो ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, तो मैं अभी खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब हो रही है शाम और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। शाम के बज रहे हैं 7। आज डिनर में बना रही हूँ मैं टिंडे की सब्जी काट के, और साथ में आम है और मैंने मसाला कट कर लिया है। चाय मैंने थोड़ी देर पहले पी थी और बर्तन मैं धो चुकी हूँ ये यहाँ पे। बस अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। दीपांशु बाहर खेल रहा है गली में बच्चों के साथ। आपको बच्चों का शोर आ रहा होगा पीछे से, फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे गली में। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सब्जी, फिर आपको दिखाती भी हूँ और आपसे मिलती हूँ प्लेट लगा के। तो फ्रेंड्स, आम और टिंडे की सब्जी काट ली थी मैंने, और उसके बाद अब मैंने कुकर चढ़ाया है, इसमें रिफाइंड डाला है। अब इसमें मैं जीरा ये देखिए डाल दिया है, और बस इसमें टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट के रखे थे, इनको थोड़ा सा भून लूँगी। प्याज मैं नहीं डालती हूँ, तो बस अब इसे ही थोड़ा सा भूनना है। अब बेसिक मसाले अपने डाल लिए हैं, अब ये कटे हुए टिंडे इसमें डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखिए इस तरीके से, और इसे बस 2 से 3 सीटी लगा लूँगी, और तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैंने आटा गूंदा है तब तक ये सब्जी तैयार हो चुकी है। बस अब मैं ये कुकर खोल के देख लेती हूँ, अगर थोड़े बहुत रह गए होंगे तो दोबारा 1-2 सीटी लगवा लूँगी, पर वैसे हो जाते हैं 3-1 सीटी में। और ये देखिए तैयार है हमारी सब्जी टिंडे की कटे हुए। बस इसके बाद मैं अब फुलके बना लेती हूँ। तो यहाँ तैयारी हो चुकी है रोटी बनाने की, ऑलमोस्ट बन गई है। तो बन गई है रोटियां हमारी, बस ये लास्ट रोटी है। अब यहाँ से मैं ये सब हटा करके इसे साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कितना भी साफ़ कर रही हूँ पर पता नहीं कैसे चींटी आ ही जा रही है। मतलब बंद पैकेट भी अगर बिस्किट के रखे हुए हैं घर में तो उसमें भी होल कर देती हैं और बिस्किट में भी घुस जाती हैं, तो काफ़ी कुछ बचा बचा के इधर उधर टांग वांग के रखना पड़ता है। तो अब ये देखिए यहाँ से मैंने क्लीन कर दिया है, इसके बाद मैं इस पर गीला कपड़ा भी मारूंगी ताकि आटे का कुछ वो ना रह जाए, सूखा आटा मतलब बिखरा हुआ, क्योंकि उससे और चींटी होएंगी। तो फिर भी पता नहीं, शायद जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे 3 साल हो गए इस फ्लैट में आए हुए, तब चींटी आती ही रहती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ हम तीनों की थाली, ये देखिए कटोरी रख दूँगी अब इनमें सब्जी डाल के। दही भी है साथ में, आम भी काटा है। तो डिनर की तैयारी, क्योंकि बेटा तो जा चुका है
अपने नाइट शिफ्ट के लिए। बस दीपांशु है, मेरे हस्बैंड और मैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ प्लेट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।